हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरॉयड साइकिल फॉर कटिंग। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कटिंग में कौन कौन से जो है आप साल्ट जो है कंबाइन कर सकते हैं, इनको कॉम्बिनेशन करके यूज़ कर सकते हैं, इनका डोज कितना यूज़ करना है, कितना टाइम तक आप साइकिल लेके जा सकते हैं, कैसे इसके कम साइड इफेक्ट लेके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कोई भी विकीपीडिया, गूगल या यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। जितनी भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ भी मिस हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन से साल्ट हम लोग कटिंग में यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से स्टीरॉयड कंबाइन करके हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो होगा टेस्टोस्टेरोन एसीटेट यूज़ करेंगे, उसके बाद विंस्ट्रॉल यूज़ करेंगे, इसमें मैस्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं, ट्रेम्बोलान यूज़ कर सकते हैं और क्लेम्बुटेरॉल यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे साल्ट हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जस्ट नॉर्मल, जिससे आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। क्योंकि अगर आप गूगल में या यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे तो आपको कटिंग के लिए बहुत सारे टैबलेट्स, इंजेक्शन, बहुत सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा आपको उसमें इंटरनेट में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपके साथ प्रॉपर साइकिल, पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस के साथ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आप बिगनर्स हैं, आपने फर्स्ट टाइम साइकिल यूज़ कर रहे हो, तो इसमें मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप ओनली 3 साल्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप क्लेम्बुटेरॉल, विंस्ट्रॉल और टेस्टोस्टेरोन एसीटेट ये यूज़ करेंगे। बट अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इससे पहले आप 1 या 2 साइकिल ले चुके हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है कैसे यूज़ करना है और कौन कौन सा साल्ट यूज़ करना है, तो आप इसमें टेस्टोस्टेरोन एसीटेट, क्लेम्बुटेरॉल, विंस्ट्रॉल और ट्रेम्बोलान एसीटेट भी यूज़ कर सकते हैं और मैस्ट्रॉन भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा टैबलेट या इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 जो है ये इनफ है कटिंग के लिए। तो बात करते हैं हम लोग इसका यूज़ कैसे करना है और कितना टाइम के लिए इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो जितने भी कटिंग में साल्ट यूज़ होते हैं, जितने भी एस्टर यूज़ होते हैं, ये इनकी हाफ लाइफ जो है बहुत कम होती है। इट्स मीन ये 3 से 4 दिन में, जैसे ही आप 1 इंजेक्शन लोगे 3 से 4 दिन में ये अपना काम करके आपकी बॉडी से फिनिश। तो इसलिए ये शॉर्ट एस्टर होते हैं, इसलिए इनके रिज़ल्ट भी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग इसको जो है जितना सबसे पहले तो दूसरी बात ये कि जितनी आपकी बॉडी फैट कम होगी उतना आपके ये जो कटिंग वाले साल्ट हैं वो आपकी बॉडी पे ज़्यादा वर्क करेंगे। फैट ऑलरेडी ज़्यादा भी है तो काम करेंगे, लेकिन वो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपका साइकिल चलाने का प्लान है, आपको प्लान कर रहे हैं कि मैं अभी कटिंग के लिए साइकिल, स्टीरॉयड साइकिल यूज़ करना है, तो इससे पहले जो है मैं रेकमेंड करूँगा कि 2 वीक्स पहले, अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा है तो कार्डियो ज़्यादा करें, अपनी डाइट अच्छी करें और कोई भी फैट बर्नर लेके यूज़ कर लें। तो इससे क्या होगा कि आप जैसे ही अपना साइकिल स्टार्ट करेंगे, आफ्टर 2 डेज़ 3 डेज़ के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। बट अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा होगा तो आपको फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। काम तो फिर भी करेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आपका बॉडी फैट कम होगा उतना ये आपके साथ ज़्यादा आपकी बॉडी में वर्क जल्दी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये वर्क करना जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपका वेट ज़्यादा है, ऑलरेडी बॉडी में फैट ज़्यादा है, तो साइकिल स्टार्ट करने से पहले आप जो है 2 वीक्स पहले कोई भी आप अपनी डाइट अच्छी करके, थोड़ा कार्डियो ज़्यादा करके और कोई भी फैट बर्नर 2 वीक्स तक यूज़ करें, जिससे आपका थोड़ा वेट कम हो जाएगा, बॉडी फैट कम होगा, साथ ही आप अपना साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लेम्बुटेरॉल के साथ। क्लेम्बुटेरॉल जो है वो आपको 20 mcg में भी मिलती है, उसके बाद 40 mcg में भी मिलती है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, आपने फर्स्ट जो है 1 टैबलेट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट डे आपने ओनली 1 टैबलेट लेनी है और एक्सरसाइज से पहले आप ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड डे में भी आपने जो है 1 ही टैबलेट यूज़ करनी है, क्योंकि उससे थोड़ा, जब आप फर्स्ट टाइम में क्लेम्बुटेरॉल लेंगे तो आपको थोड़ा बॉडी शेकिंग हो सकती है, थोड़ा जॉइंट्स में पेन हो सकता है, तो इसलिए इसको 1 ही टैबलेट यूज़ करनी है आपने। उसके बाद आप सेकेंड डे में भी 1 करनी है, थर्ड डे में जाके आप 2 कर सकते हैं। वो आप 1 मॉर्निंग में ले लें या आफ्टरनून में ले लें, 1 वर्कआउट से पहले ले लें। इसके बाद आप जो है कंटिन्यू 3 टैबलेट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप 10 टैबलेट ले लो, 8 टैबलेट ले लो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 3 टैबलेट इनफ है, क्योंकि अगर आपने दूसरे भी साल्ट साथ में यूज़ करने हैं। सो फर्स्ट वीक आपने ऐसे ही जाना है, फर्स्ट 2 डेज़ जो आपने 1-1 टैबलेट लेनी है, उसके बाद थर्ड डे से आप 3 टैबलेट ले सकते हैं। फर्स्ट वीक आप ओनली क्लेम्बुटेरॉल यूज़ करो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना साइकिल का जो मेन है, सबसे पहले आप लेंगे टेस्टोस्टेरोन एसीटेट। इसका भी हाफ लाइफ जो है 3 से 4 दिन होता है। सो आपने 100 mg में मोस्टली आता है। सो 1 आपने इंजेक्शन लेना है, उसके बाद आफ्टर 2 से 3 दिन के बाद आपने अगेन टेस्टोस्टेरोन लेना है। उसके बाद आपने जो है थर्ड में भी आप टेस्टोस्टेरोन ले सकते हैं, लेकिन सेकंड इंजेक्शन के बाद आप विंस्ट्रॉल ऐड कर सकते हैं अगर आपका बॉडी फैट कम हो चुका है और आपको रिजल्ट नज़र आने शुरू हो गए हैं तो। क्योंकि विंस्ट्रॉल स्टार्टिंग में विंस्ट्रॉल लेने का आपको फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा लेकिन उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा कि आप अपना जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर जो है पर्सनल जो है प्रैक्टिकल जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आप पहले जो है 2 से 3 इंजेक्शन जो है ओनली टेस्टोस्टेरोन के यूज़ करें, उसके बाद आप विंस्ट्रॉल ऐड करना शुरू करें। विंस्ट्रॉल भी सेम ही है, इसका भी आपको 2 से 3 डेज़ तक जो हाफ लाइफ होता है। तो इसका मतलब है कि इसका भी आपको जो है फर्स्ट इंजेक्शन लेने के 2 दिन के बाद अगेन इसका इंजेक्शन लेना पड़ेगा। सो इसको भी सेम आप फिर वीकली जो है 2 टेस्टोस्टेरोन आप यूज़ कर लें, 2 डोजेज टेस्टोस्टेरोन की ले लें 100 mg 100 mg और स्टार्टिंग में। उसके बाद विंस्ट्रॉल भी 50 mg में भी आता है, 100 में भी आता है, वो डिपेंड करता है आपके पास कितने mg में है, लेकिन 2 डोजेज इनफ है। वो भी आप वीकली दो शॉट जो है विंस्ट्रॉल के ऐड कर लें और 2 जो है आप इसके साथ टेस्टोस्टेरोन के यूज़ कर लें। साथ में क्लेंबुटेरोल आप कंटिन्यू यूज़ करें। क्लेंबुटेरोल जो है वो आप 2 वीक्स तक जो है यूज़ करके उसके बाद उसको स्टॉप करके आप 3 से 4 डेज़ के लिए स्टॉप करके अगेन दोबारा 1 से स्टार्ट करके फिर अगेन 3 तक जा सकते हैं। उसके बाद जो है कंटिन्यू आपको इसको यूज़ कब कितना करना है, क्योंकि ये जितने भी साल्ट हैं कम हाफ लाइफ है इनकी 3 से 4 दिन। सो इसका मतलब ये है कि ये आपके काम भी करना जल्दी स्टार्ट कर देंगे, आपकी बॉडी में रिजल्ट भी नज़र आना जल्दी आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको आपने जो है यूज़ करना है 3 to 4 वीक्स तक अगर आप बिगनर्स हैं और आपका बस जस्ट पर्पज़ है कटिंग के लिए, थोड़ा बहुत आपको बॉडी में शेप में आना है। 3 से 4 वीक्स आप इसको यूज़ करें, क्योंकि ये आपको डोजेज इंजेक्शन ज़्यादा लेने पड़ेंगे क्योंकि हाफ लाइफ कम होती है और इसकी mg भी आपको कम मिलेगी। कंपेयर करेंगे आप गेनिंग में आपको जितने भी इंजेक्शन है 250 mg या 300 mg तक मिलते हैं, लेकिन ये 100 mg 50 mg में आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप इसको 3 से 4 वीक्स तक लेके यूज़ करें। उसके साथ जो है आप इसमें जो है लाजम आप जो है आर्मी डेक्स टैबलेट आती है, एस्टाजोल भी उसको शायद बोलते हैं, वो सॉरी क्लेंबुटेरोल 1 mg में है, उसको आप जो है 1 टैबलेट जो है एवरी 3 डेज आप लेते रहें, जिससे आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम रहेगा और आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं करेगी। क्योंकि स्टीरॉइड के जितने भी आपको साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं वो आपका एस्ट्रोजन से ही आपके जो बनते हैं। तो अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल कंट्रोल रहेगा तो आपका जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी आपकी बॉडी में कम आएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, फिर भी कुछ मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी पीसीटी की बात करें तो पीसीटी सभी स्टीरॉइड की सेम होती है, जिसमें आप नल्बोडेक्स क्लोमिड HCG यूज़ कर सकते हैं। पीसीटी की वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और कटिंग साइकिल के आप 5 डेज़ के बाद पीसीटी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जितने भी साल्ट हैं कम हाफ लाइफ वाले हैं, तो इसलिए इसको आप 5 डेज़ के बाद अपनी पीसीटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।